राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा है मेरी आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए मैंने मेकअप तो कर लिया, बाल नहीं भाई, मेरा बाबू उठ गया था, मुझे खाना बनाना था, उसके लिए जल्दी हो रही थी, तो अभी मेरे बाबूजी उठ चुके हैं। एंड वी आर सुबह भी आजकल मेरा बाबूजी साथ ही हो रहा है, तो चलिए अभी काम कर लेते हैं। वैसे मैंने एक दो काम कर लिए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ बीच में शेयर करूँगी, तो मैंने सोचा कि कल आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो चलिए तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो अभी मेरा दूध गिलने लग रहा है, मैं दूध गिलो रही हूँ और खाना भी बन गया है दोपहर का। तो आज की वीडियो वैसे दोपहर से स्टार्ट है, तो चलिए फिर काम करते हैं। अभी उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बरामदे में, और यह है गाय की दवाई जो ये लेकर आए थे, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी गाय की, तो अभी मैं उसे दवाई दे रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें डॉक्टर ने बोला था कि एक कप दवाई चोकर में डालकर या फिर उसकी पेड़ी बनाकर या फिर घोलकर कैसे भी उसे देनी है। तो अभी मैंने इसे चोकर में डाल लिया था और मैं इसे अच्छे से हाथों से मिला लूँगी, तो इसमें थोड़ा पानी डालकर तब उसे पिलाकर देखूँगी। तो देखिए उसके लिए कुछ ये दवाइयाँ हैं, कुछ ताकत की हैं और कुछ उसके लीवर को थोड़ा घास कम खा रही है आराम देंगी, ये सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ, और यहाँ टप में रखा हुआ था पानी, तो मैं थोड़ा हाथ से ही डाल रही थी, ज़्यादा नहीं डालना था। तो इसे पानी को गिर कर और अच्छे से मिलाकर मैं गाय को पिला दूँगी। तो अभी देखिए थोड़ी पतली सी कर रही थी, ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी नहीं, अगर पिएगी तो ठीक है। वैसे तो देखिए पशु भी इंसान जितने शाने होते हैं, पता नहीं पिएगी या नहीं, पर फिर भी मैं ऐसे रख कर देख रही थी। उसने थोड़ी सी ही पी, पीने तो लगी थी, थोड़ी सी पी फिर बाकी छोड़ दी थी, तो मैंने बाद में उसके घास पर डालनी पड़ी मुझे वो। तो अभी तो वो लगी हुई थी स्वाद स्वाद में पीने में, तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर आ गई थी और मैं यहाँ धो रही थी कायरव की छोटी सी वो दुताई, तो वो जो है गंदी हो रही थी और उस पर वो सूसु वगैरह कर देता है, तो इसलिए मुझे धोनी तो थी। तो अभी मैं उसे यहाँ दीवार पर थपका बजा कर धो रही थी। तो देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि चौकी पर क्यों नहीं धो रही थी, तो देखिए बारिश हुई थी तो तब से उस पर मिट्टी भर रही है, मैं निकाल भी दी थी, फिर से मिट्टी हो रही है, कुछ थोड़ी बहुत रह भी गई थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी भर जाती है, पीछे से कट के आती है बगड़ में से, तो वो सारी चौकी पर आकर रुक जाती है, इधर पानी के साथ साथ आकर कुछ बाहर उधर कूड़ियों में चली जाती है, तो ये चौकी पर जो रुक जाती है मुझे बहुत भारी बनती है, फिर ये सारी मिट्टी निकालनी पड़ती है। तो मैं उसे बाद में साफ़ करूँगी, अभी लाइट जाने में कुछ करीबन आधा घंटा रह रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे हाथ से ही छेद कर धो लेती हूँ। थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा गंदे तो नहीं थे, पर फिर भी इन्हें हाथ से छेद कर धो रही थी मैं थोड़ा सा, काफ़ी टाइम पहले मैंने भिगो कर रख दिए थे, मैंने सोचा कि इतने से कपड़ों के ऊपर क्या मशीन लगाऊँ, हाथ से ही धोकर फैला देती हूँ, तो इसलिए दीवार पर यहाँ धर कर धो रही थी मैं। तो देखिए ये बाल्टी जो है ये भी टूट फूट गई है, बाल्टियों की भी समस्या हो रही है इस टाइम में, सब दुकानें बंद है। सोच तो रही हूँ अगर किसी तरह कोई बाल्टी मिल जाए, तो ये दो तीन बाल्टियाँ यही वैसे काम में बरतनी पड़ती है, ये कपड़ों में बरतनी पड़ रही है, बाल्टियों की समस्या हो रही है और ये बाल्टी फूक गई है। ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो साफ़ करके यूज कर लेती हूँ फिर, अभी समस्या है देखते हैं एक दो दिन में अगर किसी तरह बाल्टी का जुगाड़ हो गया तो। अभी देखिए उसके बाद ये मैं कपड़े झकोलने लग रही हूँ, मेरे कपड़े धो चुके थे। उसके बाद ये तिरपाल रखा हुआ था यहाँ पर बुग्गी पर, ये उधर पड़ा हुआ था पहले दीवार पर, फिर ये वहाँ भीग गया, तो बारिश में भीगने के बाद मैंने ये यहाँ बुग्गी पर डाल दिया था, मैं अच्छे से सूख जाएगा, तो अभी मैं इसकी तह बना रही थी और फिर मैं इसे उठा कर रख दूँगी। तो उसे तय बनाकर मैंने ऐसे बुग्गी पर ही छोड़ दिया, तो ये कम्बल और चादर सूखे हुए थे और कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने धोए थे। मैं अब क्या करती हूँ, रोज़ के रोज़ धो देती हूँ बस, बृहस्पति को छोड़कर बाकी दिन अपने जो एक दो जोड़ी कपड़े होते हैं, कायरों के नेकर वगैरह होते हैं, अवनी के होते हैं, साथ के साथ धो देती हूँ। अगर बड़े कपड़े धोने हैं या फिर दो दिन नहीं धोए तो मशीन लगा लेती हूँ, तो अभी इन्हें भी उतार कर रख दूँगी। उतारने के बाद कुछ मैंने धोए थे जो अभी उन्हें मैं इन पर ही इस रस्सी पर ही डाल दूँगी। तो देखिए इधर निकलता सूरज, छिपता सूरज दोनों तरह से लगता है,
और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। उधर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है तो उधर डालने में कपड़े दिक्कत हो रही है। अभी उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी और मैं पिला रही थी पशुओं को पानी। तो देखें मैंने अंदर टीन में बांध कर रखी हुई थी गाय, तो मैं उसे पानी पिला रही थी और ये दूसरे वाली है बाहर की साइड बंद रही थी। फिर मैंने उसे बाहर निकाला और अभी वो बाहर की साइड से घास खा ली, पहले अंदर की साइड से खा रही थी। उसके बाद मैं अभी यहाँ गई थी सिलाई मशीन पर, तो देखिए सिलाई मशीन लेकर बैठी थी मैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा मैं क्या बना रही हूँ कायरव के लिए। तो मैं उसके लिए पजामा बना रही हूँ। तो देखिए पहले सोची हूँ कि एक दो पजामे बना लूँ, उसके बाद ही कुर्ते बनाऊँगी। तो बस आज ही धरी गई थी मुझसे मशीन, फिर कल नहीं रखी जाएगी या नहीं जाएगी तो पता नहीं। काम इतना लगा रहता है, जब भी टाइम लगेगा तभी रखूँगी। मुझे दो तीन कपड़े और भी उधड़ रहे हैं, वे भी सही करने हैं। तो मैं उसका ये जो पजामा सिल रही थी और अवनी मेरे पास बैठी हुई थी, तो मशीन में मैंने एक दिन पहले तेल डाला था और छांट लिया था इसे, तो अभी मैं इसे सिल रही थी। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए इतने अच्छे नहीं तो फिर भी काम चलाओ तो सी ही लेते हैं। मैंने सीखी थी सिलाई पर मैंने बीच में ही छोड़ दी थी। मैं अगर चाहूँ तो अपने कपड़े बना सकती हूँ, पर इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास कि मैं खुद से कपड़े सीम कर पहन लूँ। बस कायरव के लिए बना रही थी, सोची थी कि छोटे छोटे पजामे हैं इनमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर दो दिन में इसे पूरा कर दूंगी। तो बस अभी मैं इसके जोड़ लगा रही थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये मैंने जो बरामदे में झाड़ू लगाई थी और कमरों में, यहाँ पर ये कूड़ा इकट्ठा हो रहा था जिसे मैं तसले में भर रही थी और इसे मैं वहाँ कूड़ी पर डाल दूँगी। तो देखिए झाड़ू लग जाती है तो बाजी फिर कूड़ा भी नहीं उठा पाते, गैलरी में सुबह में लग जाती है और यहाँ लगा कर छूट जाता है। तो देखिए हवा चल रही है, धूप भी निकल रही है और मौसम भी ऐसा अच्छा खिल रहा है, पर बारिश बता रखी है, क्या पता कब बारिश हो जाए। तो देखिए उधर की साइड ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, निकलने बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने कूड़ा भर कर डाल दिया है और अभी मुझे भरना है गोबर। तो गोबर पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, तो जहाँ दिन में गाय बांधते हैं पेड़ों के नीचे वहाँ पर पड़ा हुआ है।
उसके बाद देखें यहाँ आ गई थी मैं इधर स्टोर रूम में, और यहाँ पर जो कैनी रखी हुई है इसमें मैं ये पल रख रही थी जिसकी मैंने पहले बाहर रखा हुआ था, बुगी पर तय बना दी थी इतने सारे काम करने के बाद। अभी मेरा टाइम लगा था तो मैं इसे इसमें रख रही थी, पर ये इसमें नहीं आया तो फिर मैंने वापसी निकाला और इसमें से एक दो कट्टा देखा कि कोई अच्छा सा कट्टा निकाल कर मैं इसे उसमें रख दूँगी। तो इसमें रस्सी भी रखी हुई थी, कट्टे भी रखे हुए थे, तो एक निकालने के चक्कर में दो निकल कर आए, और अभी इनमें से एक कट्टे में मैं इसे रख दूँगी। तो देखिए बाहर ऐसे छोड़ दूँगी तो चूहे वगैरह काट देंगे। और ये गेहूँ का टाइम है, अब जो काम आने वाली चीज़ है पल तिरपाल, ये सब चीज़ें बारिश वगैरह में काम आ जाती हैं। तो अभी मैं इस वाले कट्टे में इसे डालकर और तब इसके ऊपर रख दूँगी, इसमें नहीं जाएगा ये अंदर, उसमें जगह नहीं है, काफ़ी सारा सामान पहले से ही रखा हुआ है। तो देखिए अभी भी यहाँ यहीं पर रखी हुई है हमारी पूजा, मम्मी ने यहीं पर रख रखे हैं पूजा के सामान, यहीं रखे हैं दूध बुलाने की रही। तो इस स्टोर रूम में हम ज़्यादातर बेड वगैरह फालतू के जो सामान होते हैं वो रख लेते हैं, ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं, खेत में यूज करने वाली चीज़ें। यही स्टोर रूम का इतना ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें हम अच्छे से खूब सारा सामान रख सकते हैं। तो अभी मैं इसे इसमें कट्टे में डाल दूँगी। तभी मैं यहाँ आ गई थी इधर कमरे में, तो मैं निकाल रही हूँ मैदा, तो मैं सोची हूँ थोड़ी सी आटे में से ही मैदा निकाल लूँ, तो ये तो पता नहीं क्या बनाऊँगी क्या करूँगी क्या नहीं, पर मैदा निकालने की कोशिश कर रही थी। तो जिस कपड़े में मैं निकाल रही थी वो थोड़ा मुझे मोटा लग रहा था, शायद मैं थाली में निकाल रही थी वैसे भी। तो देखिए धीरे धीरे कर कर ऐसे ही मैं सोची कि थोड़ी सी मैदा निकाल लूँ, मन है कुछ बनाने का पर ये नहीं पता क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। जो भी बनाऊँगी कुछ अलग सा बनाया तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, बस अभी तो फ़िलहाल ट्राई चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद अभी मैं आ गई थी यहाँ चौकी पर, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता ही चुकी थी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है, तो कुछ तो पहले ही निकाल दी थी फिर और भी हो रही थी। तो अभी मैं ये फावली ले रही थी, उसकी सहायता से मैं सारी मिट्टी हटाऊँगी और चौकी को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, उस पर झाड़ू भी लगा दूँगी, तो उसमें मिट्टी इतनी भर रही है बहुत ज़्यादा। चौकी को धो दूंगी और मिट्टी तो जो है नाली की भी मैंने निकाल दी है, और झाड़ू लगा दूंगी इस पर जो कुछ मिट्टी है वो भी निकाल दूंगी। फावला जो था जिसे मैंने मिट्टी निकाली थी इसे भी धो दिया है, पहले कुछ पाइप के पानी से निकाल रही थी फिर झाड़ू मार दूंगी। मैं यहाँ बरामदे में चून की टंकी कमरे में से निकाल के बरामदे में रख ली है, तो मैंने सोचा कि चलो ये कब तक आटा कट्टे में रखा रहेगा तो मैं इसे अभी दिता लेती हूँ। इसे मैं टंकी में डाल रही थी तो मैंने ये टंकी रूम में से निकाल कर यहाँ बरामदे में ही शिफ्ट कर दिया, बड़ी टंकी के पास में ही रख ली है। अभी उसके बाद यहाँ मैं लगा रही थी टंकी पर पर्दा, तो जो पर्दा मैंने धुला था तो अभी मैं उसे लगा रही थी, ये मुझसे नहीं लग रहा था, मैं इधर से डाल दी थी तो बार बार निकल कर आ रहा था। फिर मैंने अवनी से बोला कि बेटा एक डंडी ला के तो उससे मैं इसे साइडों से नीचे कर दूँगी, आसानी से लग जाएगा। तो अभी मैं इसे डाल देती हूँ पर्दे को। अभी इस वीडियो कहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो देखिए वैसे तो कोरोना चल रहा है पर घर में रहकर ही हम छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा मन ऐसा कर रहा है कि लॉकडाउन तोड़ कर भाग जाऊँ, घर चली जाऊँ, बस किसी तरह मम्मी पापा से मिल लूँ, पापा जी से मिल लूँ। पता नहीं क्यों मन उदास सा है घर को से मिलने के लिए, बहुत मन कर रहा है, मायके वालों की याद आ रही है।
ऐसा लग रहा है ना कितने साल हो गए अपने मम्मी पापा से मिले, घर को से मिले हुए, पता नहीं ये दौर ही ऐसा चल रहा है, मन भी नहीं लग रहा है। और पर यह है घर में रहकर सोचते हैं कुछ अलग सा करे, बस अपनी फैमिली में एडजस्ट कर जाए। जो लोग बाहर जॉब करते हैं वो कभी कभार ये सोचते हैं कि पता नहीं कितने टाइम बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये घर कब जाएंगे। अब ऐसा हो गया है जो नौकरी पर भी हैं वो भी घर आ गए हैं, कुछ हैं अभी जो वहीं पर फंसे हुए हैं या भाई कुछ अपनी जगहों पर हैं। तो मैं तो आप लोगों को अपने मन की बात बता रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं के जाने का, तो पर कैसे जाऊँ बस यही समस्या है। तो सुनने में आ रहा कि थोड़ी ढील हो जाएगी लॉकडाउन में, अगर ढील हुई तो तभी जाएंगे मैं के, और टाइम का पता नहीं है। अगर गए तो आप लोगों को जरूर बताऊँगी, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।